रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे भाई ने ब्रह्मास्त्र मूवी में काम कर उसको सुपरहिट बना दिया और ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। देखो भाई, लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म में भी काम करके ऑडियंस को निराश नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी भी ब्रह्मास्त्र मूवी की तरह ही कलेक्शन करेगी। लो, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बतानी भूल गया, इस मूवी में आपको रणबीर कपूर के साथ काम करते हुए नजर आएंगे संदीप रेड्डी। हालांकि इस फिल्म का अभी तक ऑफिशियल बजट नहीं पता चला। भाई मूवी से रिलेटेड ए टू जेड सारी जानकारी इस चैनल पर आप देख सकते हो। तो अपने भाई के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि मूवी का बजट तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का होगा। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की जो रिलीज डेट रखी गई है वो है 11 अगस्त 2023। तो भाई उस दिन कोई कहीं नहीं जाएगा, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना ऑफिस। हम सबको सरकार से हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए कि उस दिन को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए। वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पर रिलीज होगी भाई ये मूवी। रणबीर कपूर के साथ बहुत जाने माने कलाकार भी इस मूवी में काम कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा, अनिल कपूर और बॉबी देओल, ये तीनों भी इस मूवी में रणबीर कपूर के साथ आपको काम करते हुए नजर आएंगे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखो भाई, अपन लोगों के पास तो इतना टैलेंट है नहीं, हम लोग तो बस मूवी और ट्रेलर का रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन भगवान किसी को बड़ा सोच समझ के बनाता है। देखो भाई, डायरेक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं और फिल्म डायरेक्ट भी इन्होंने ही करी है। तो गाइस, फिल्म को देखने के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। सुनने में आ रहा है कि फिल्म एक बड़ा मैसेज देने के लिए बनाई जा रही है। डायरेक्टर की एक सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बतानी भूल गया, भाई साहब पिक्चर लिखी भी इन्होंने ही है। भाई ऐसा डायरेक्टर आपको कहां मिलेगा, टॉर्च लेके भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो बंदा फिल्म में एक्टिंग भी कर रहा है, फिल्म लिखी भी उसने है, फिल्म डायरेक्ट भी वो ही कर रहा है। ऐसे इंसान के लिए तालियां होनी चाहिए। नहीं, जब से ब्रह्मास्त्र सुपरहिट हुई है तब से लोग बेसब्री से रणबीर कपूर की फिल्म का वेट कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर तो फिल्म की शूटिंग अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग स्टेट्स में होती है, मतलब कि फिल्म में सीन कैसे है उस हिसाब से लोकेशन सेट की जाती है। कोई बताने वाली बात तो है नहीं, आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। रणबीर कपूर की फिल्म की शूटिंग हरियाणा और गुरुग्राम की है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के बॉलीवुड डायरेक्टर्स को बड़ी शर्म आती है इंडिया में शूटिंग करने के लिए, इसलिए फॉरेन कंट्रीज में बाहर जा जाके शूटिंग्स करते हैं। तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? बट फायदा कुछ नहीं होता। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, परिणीति चोपड़ा रणबीर कपूर की इस फिल्म में वाइफ बन रही है। अनिल कपूर रणबीर कपूर के बाप, मेरा मतलब है कि पिता। मूवी एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें कि इमोशंस, बदले की आग, डार्कनेस, फिल्म में आपको सब मिल जाएगा। मूवी की स्टोरी कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमती रहेगी और बाद में रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक खूंखार जानवर का रूप ले लेगा। तो भाई अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, मिलता हूं मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।